बोलोगे कि आप यूएई आए, आप दुबई क्यों नहीं गए, बुर्ज खलीफा देखने क्यों नहीं गए? क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की हमारे पास है। आई मीन शिवानी दी। शिवानी दी बहुत अच्छा है। हेलो, मैं डॉक्टर पाकिस्तान हियर विद अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज का जो मेरा रिएक्शन होगा वो होगा मोहक और सुरभि जो इंटरनेशनल ट्रिप पर गए थे और वहाँ जब जाकर गुम हो गए थे, और उसी पर आज मैं अपना रिएक्शन देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को यार लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए जल्दी से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हम दोनों ने यहाँ पे गुम हो गए हैं, हमारी बस चल गई है। गुम हो गए, वाकई गुम हो गए। अच्छा जी, 23 मार्च। ओके, मारने से वीडियो बना रहा है उनकी। अच्छा, बहाने बहाने से अच्छा उसको थप्पड़ मार दी। यार मैंने ना जस्ट अभी कैमरा ऑन किया, मैं ना कैमरे की सेटिंग कर रहा था सामने। कैमरे की सेटिंग नहीं, अपनी सेटिंग कर रहा था। ये यार तू देखो कैसे बहाने लगा रही है। शर्म कर लो, झूठ बोलने का शर्म। छोटे कपड़े में लड़कियां आ रही हैं, उनको ताड़। इसकी बात तो सुन लेता। बाल की वजह से क्यूट लड़की बात चल रही, फिर भी लड़की को देख रहा है। अच्छा, अपने आप को भी ओके ही आ रही है। तो है तो वाकई क्यूट है ना। हे फैमिली, कैसे आप सब? मैं आ चुका हूं नई यूट्यूब वीडियो के साथ। मेरी वीडियो का इंट्रो भी नहीं लेने दिया इन लोगों ने। मैंने जस्ट अभी कैमरा ऑन किया था, कैमरा ऑन करते मैं एक बार सेटिंग से ही कर रहा था कि मैं कैसा आ रहा हूं। मुझे अभी भी नहीं पता मैं कैसा आ रहा हूं, मैं सामने सेटिंग छेड़ रहा था। तो ये कहते तू और भी सेटिंग कर रहा था, तू सेटिंग करना चाह रहा था। अब स्विमिंग कर रही थी वो लड़की, इसमें आया ना, इसमें आया तो रिकॉर्ड हो रहा था। मैं तो सामने व्यू ले रहा था, व्यू के मतलब सेटिंग करके देख रहा था एक्सप्लोर, मतलब उस कैसा आ रहा है, ब्राइटनेस वगैरह कैसी है। सॉरी, मैं लास्ट व्लॉग में बताना भूल गया था कि मैं कहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप का चार्जर उस प्लग में लग नहीं रहा था। मैं जल्दी जल्दी एडिट करी थी सुबह जल्दी उठ के, और उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया और मैं देख भी नहीं पाया मैंने क्या एडिट करा है। और जैसे ही मेरे को चार्जर मिला, मैंने फटाफट एक्सपोर्ट पर लगा दी वीडियो। उसमें एक क्लिप कट गई थी जहाँ मैंने बताया था कि मैं कहाँ आया हूँ। हम आए हैं रस अली खेमार, नहीं जो प्रॉपर हम जगह पे हैं, रसल कैमा, आरएके, शॉर्ट फॉर्म आरएके है। यहाँ है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत मज़ा कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन की दोपहर है, सो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। अभी दिखाता हूँ हम क्या क्या बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, आपको व्लॉग में दिखेगा। अभी मैं अंदर जाता हूँ। ये इतना ज़्यादा ना मतलब हाइट पे आ गए हम लोग। अगर मैं सुरभि हूँ यहाँ से घेरता हूँ तो सुरभि उड़ेगी, क्योंकि सुरभि कौन है, पापा की परी। ऐसी उड़ेगी दिखेगी नहीं दोबारा, इतनी जोर से उड़ेगी। उड़ के दिया सुरभि, मुंह तो जवाब दे। सिर्फ हम 18 फ्लोर ऊपर है, कोई नहीं। अगर मैं मर गई ना, जिंदगी से चली गई तो रो जाएगा। ठीक है, आराम से पापा की परी। क्या उड़ नहीं पाएगी? अभी उड़ने की प्रैक्टिस ज्यादा हुई नहीं है इसको, क्योंकि इसने अभी अभी अकाउंट बनाया ना पापा की परी। ये तो बाहरी खूबसूरती और असली खूबसूरती यहाँ है गाइस। ये रही, मैं बता रही हूँ। कैसे मुंह तोड़ेगी इसका, एक बार प्लीज डेमो। ओ भाई, सही में मार रही है तो क्या करती है। कितना कम करते हैं। आप सब बोलोगे कि आप यूएई आए, आप दुबई क्यों नहीं गए, बुर्ज खलीफा देखने क्यों नहीं गए? क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की हमारे पास है। आई मीन शिवानी दी। शिवानी दी बहुत अच्छा है। सुरभि दी बोला मैंने, यार कूद रही है, पापा की परी फ्लाई होने जा रही है। देखो जल्दी से, मैं जा रही हूं, मुझे रोको मत। मैं कोई मदद करने आया था भैया। सही बताओ, हम दुबई क्यों नहीं गए? क्योंकि बुर्ज खलीफा से ज्यादा सुंदर तो हमारी लड़की है हमारे पास। झूठ बोलता है तो। यार मैं सन्नी भैया ने जो भी बोला है ना, बिल्कुल सच बोला। बुर्ज खलीफा से ज्यादा सुंदर है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना सुरभि। मैं इस होटल की आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये आप बार बार हट क्यों जाते हो कैमरा आते ही? और इस होटल में सबसे अच्छी जो चीज है ना, चीज नहीं मतलब सबसे प्यारी चीज, चीज भी नहीं क्या कहेंगे उसको, वो है जो पीछे फूल है वो, और उनके आगे जो एक लड़की खड़ी है पिंक ड्रेस में, फूल ये देख, फूल ये रे, फूल वाली कन्या। मेरा चार्जर का वो नीचे गिर गया। अरे ये कितना तंग करता है। हाँ मैं मजाक कर रहा था। आप फिर आने, बोलो बोलो।
कैमरे में बोलो, तुम डालना मत, नहीं डालने बोलो। ये सीढ़ियाँ बहुत अच्छी हैं, हाँ ये सीढ़ियाँ अच्छी हैं, ऊपर ये देखो प्रॉपर यहाँ से लोकेशन देखो, हाँ अच्छी है। अभी ना सुरभि यहाँ ये पेड़ से नीचे आ रही थी और मुझे कहती प्रिंस, बहुत मैं नहीं बोला था प्रिंसेस की तरह, लेकिन आगे कहती हाथ पकड़ नीचे बैठ और मेरे को बुला, मैंने जैसे हाथ वो किया ना मेरे को आशीर्वाद दे दिया। तू बुड्ढी हो गई है क्या, बुड्ढे लोग देते हैं आशीर्वाद, बता मैंने प्रिंसेस का एक्सपीरियंस नहीं लिया ना कैसे होती है। तो प्रिंसेस मूवीज देखी हुई, कितने फनी डायलॉग्स हैं इनके। भैया से पूछ ले, भैया कभी प्रिंसेस आशीर्वाद देती है? नहीं नहीं देती। ओके मैम से पूछ ले, बताओ मैम, बताओ मैम, ये हमेशा भाग जाती है वीडियो चालू होती। हाँ वीडियो में नहीं आते, कहते मैं मोटी लग रही, मैं नहीं आऊंगी वीडियो में, कोई ना। हाँ बता कौन सी प्रिंसेस आशीर्वाद देती है, मुझे ये बता। मी माय सन, मी माय सन, ओ मैं आपको बेटा हूँ तो मैं नीचे होकर चलता हूँ ऐसे, अब ठीक है माता जी, माता जी बेटा मुझे शौचालय छोड़ दो, चलो आपको शौचालय ले चलते हैं। चलो हम दोनों ना यहाँ पे गुम हो गए हैं, हमारी बस चल गई है, पता नहीं यहाँ पे नहीं है ना बस, शायद वो लोग चल गए हैं, अभी सुरभि वॉशरूम गई थी और मे भी सब लोग चल गए हैं और हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता और फ़ोन में रेंज भी नहीं आ रही। यार जी गुम हो गई बस, मुझे लग रहा है कि प्रैंक है, बस चली गई हमें छोड़ के। व्हाट द हेल इज दिस यार, ये तो बड़ा गलत हुआ, कोई ना आ जाएगी, कॉल कर लेते हैं उनको, हम ट्राई करते हैं उनको कॉल करने का, आ जाएंगे वो, अभी गई है तो आ जाएगी बस, होप सो हम चले जाएंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चल जाएंगे। होटल का नाम पता ना हमें, कहाँ जाना है, कौन से होटल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल मिल रही है, कॉलिंग आ रहा है, फ़ोन सुरभि के फ़ोन में रेंज आ रही है। अच्छा मुझे लगा मजाक कर रही है, तो वाकई गुम हो गए का वॉशरूम हमें थोड़ा महंगा पड़ गया आज, कोई ना टेंशन ले रही है चल जाएंगे वॉशरूम में क्या कर रहे थे। बस अभी 10 से 15 मिनट में आ रही है, हम यहाँ बैठ के बस का वेट कर रहे हैं। मुझे ऑलरेडी एक डर था कि फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो कुछ प्रॉब्लम ना आए, बट वो चीज़ होगी। सबसे मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन, आपको आसपास के लोगों से आप बात कर पाओ, और सबसे जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली आसपास के लोगों से बात कर सकते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस वापस आ रही है लेकिन किसी को हमारी याद भी नहीं आई यार, तो हम ऐसे नाराज हो जाएंगे सर, हम पैदल चलते हैं सुरभि। अरे ये उसके एक्शन कितने प्यारे हैं ना ये सुरभि के, देखो ये रही वो बस आ गई। चलिए शुक्र है आपकी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ पे गुम हो गए हैं कि इनका कहीं अता पता ही नहीं है किसी को, कि कोई उधर कम्युनिकेशन ही नहीं है किसी के साथ। इतने चुटबुले लोग यार, भाई क्या था क्या ये, भैया आप हमें छोड़ के क्यों गए, भाई मैं सबसे पूछा ऐसे आराम से यार पहुंचने के लिए कहां तक चले गए थे पता है, बोलो मैं सबसे पूछ रहा था, कोई भी नहीं बोला, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। मुझे किसी को भी याद नहीं था कि ये इनको भूल के जा रहे हैं, आप याद थे नाम मुझे नहीं, आप भैया को नहीं याद थे, नहीं 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 रुको रुको हमें कैसे भूल गए बताओ, पहले आप दोनों बताओ, वो उसके बता दे बहुत अलग लग रहा है, देखो मैं मुझे लगा सबसे पहले तुम निकले हम पाप, सबसे पहले तुम उसके पहले मुझे डीएम कर करके परेशान करते हो, बताओ कैसे भूल गए, मतलब तुम्हें सुरभि का सुसु करना रास नहीं आ रहा, मेरे को बताए मैं रखवा ली देखो आगे बैठ जाती है बचा, अब मेरे को अब मैं उसकी रखवाली करूं बस की रखवाली करूं, अच्छा मैं क्या इसकी हरी नहीं रख रही, ये क्या है, ये हमारे मित्र मुझे लगा तो पीछे वाली सीट पे बैठा है। देखो सही बताओ मुझे, सब एक एक बंदे से एक्सपेक्ट था कि उसको याद रहना चाहिए, वो था मलिक, लेकिन लेकिन पीछे वाली सीट पे बैठा है, जल्दी बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ। देखो मैं बताता हूँ, मलिक की भी गलती नहीं है, उसको रीजा को संभालना था, हम समझ सकते हैं, कोई ना चलो मैंने माफ किया सबको, ठीक है। सब लोग कितने अच्छे हैं, दो मिनट में फटाफट बस यू टर्न ली और भाग के हमें लेने आ गए, कभी कभार हो जाता है बहुत लंबा यू टर्न, हाँ वो मुझे लग गया क्योंकि कभी बार हो जाता है वो चीज कि दिमाग में नहीं रहता, ऑलरेडी सब लोगों के दिमाग में इतनी चीजें चल रही हैं, वीडियोस बनाना है ये करना है, और अच्छा ये ना वो भी जो मोहित है वो सुरभि से ज्यादा हैंडसम और क्यूट और खूबसूरत है ना, अगर ऐसा ही है तो मुझे नीचे लाजमी बताइएगा, हमें इतना भरोसा था कि एक कॉल पे वो लोग वापस आएंगे, नहीं आएंगे तो कैब भेज देंगे, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवाएंगे करवाएंगे, अब हम जा रहे हैं होटल में, जा वो शूट है इसके अंदर जो तू तेरा मुंह जो चूहे जैसा हो गया था, अभी क्या है हम जा रहे हैं दूसरे होटल पे जहाँ पे हमें चेक इन करना है, हम होटल चेंज कर रहे हैं, वो होटल और भी ज्यादा अच्छा है, अब मैं दिखाता हूँ होटल कैसा है, वहाँ रूम कैसे हैं। ये हमारा रूम नहीं है, हम सिर्फ यहाँ देखने आए हैं,
हाँ कूद 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 ले कूद ले कोई नहीं अभी जो जो जीतेगा ये रूम उसका आ जा हम दोनों देखते हैं स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर मेरा ये रूम अच्छा रूम कितना प्यारा लग रहा है ना ये छोटा भाई बाहर जा अभी अभी सारी पब्लिक चली जाएगी ना एक एक सोलो स्टोरी लूंगा स्टे एट दिस होटल बाहर जाओ मेरे रूम से वो खाली खाली बाहर जाओ अच्छा ये जब भी कैमरा आता है ये साइड पे निकल जाती है इसको पता नहीं क्या अच्छा ये मोटी लगती चलो मजाक की बातें थी ये मिरर है और ये बाथरूम बाथरूम में भाई साहब ये तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो तुम दोनों जाओ जल्दी जाओ अभी जाते मैं बताता हूँ ये किसी का रूम नहीं है सिर्फ हम यहाँ देखने आए हैं कि कैसे रूम्स है यहाँ पे ये अभी हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं सुरभी और मैं जिसमें सुरभी को मैं प्रपोज करूंगा और वो पूरी ड्रोन से शूट होने वाली है कहाँ है ड्रोन कहाँ है अच्छा कितना प्यारा सीन है उसको प्रपोज कर पीछे वो सी व्यू और वाओ अमेजिंग सो ब्यूटीफुल अभी सुरभि और मैंने एक वीडियो बनाई हमें पता नहीं वो क्या वीडियो है मैं बस बोला करियो क्या था 1 2 3 4 क्या था ऐसे तो हम रोज लड़ते हैं मुक्के तो रोज ही चलते हमारे पेट पे मत मार अभी नई वीडियो बनानी है क्या बनानी है नई वीडियो मैम बताना बच गए यार मुझे एक्सपेक्ट था तुम पानी में जाओगे दोनों पानी में जाते ना यार क्या सारा आ जा तू और सुरभि भाई घूम घूम तुम रहे हो ना यार सारा मजा खराब कर दिया मैं सोचा पानी में जाएंगे पूरा भीग के लहर के आएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया मेरी एक भी फोटो नहीं लिया आपने अरे भैया कितना झूठ बोलते हैं लड़के आपने सामने से बोला आपने क्या बोला था जब ये वहां से सामने से आ रही थी भूल गया ब्रो आपने बोला जब फोटो क्लिक करते सामने से बोला आपने देखा मैंने खुद बुलाया था ना ब्रो और कहीं फोटो क्लिक नहीं करते भाई कल से देखो भैया दो शक्ल ध्यान रख लो एक मेरी एक इसकी ये दिखे मतलब तो क्या मैं हटा दो हटा दो ये दिखे तो और मैं दिखू तो टक 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 बनने चाहिए क्या सब सब झूठ बोल दिया फिर बाद में बोलेगी डर्टी टॉक ओके डन हो गया बहुत थक गया आज तो भैया कल ड्रोन वाला लेना है नहीं बनाना बनाना है ओके बनाना है ओए कह रही है बनाना है मतलब आप लोग क्या करना है ड्रोन में एक्साइटिंग करके आनी है कि लड़की का फेस ब्लर हो जाए ब्लर हो जाए मतलब वो लड़की नजर ही ना आए हां उसे कोई भी लड़की का फेस लगा सके फॉलो मी एवरीवेयर फॉलो मी एवरीवेयर भाई प्रचार कर रहे हैं अपने सेटिंग कर रहे हैं इन द हाउस यार बहुत ज्यादा थक गए आप डिनर के लिए बोल रहे हैं अभी टाइम क्या हुआ की मिल गई की तो है टाइम क्या हुआ अभी डिनर तो नॉर्मली हम उठेंगे भी तो उस टाइम पे ना वो तो यहाँ का शेड्यूल चलेगा बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो अभी मैं रूम में जाता हूँ आपको ये वाला रूम दिखाता हूँ कि कैसा रूम है अभी तक मैंने खुद ने चेक इन नहीं किया है फटाफट रूम देख ये है किस कंट्री में मुझे लग रहा है कि ये नहीं पता मुझे मैं आपको न्यू वाला रूम दिखाता हूँ देखो कैसा है ये इसका बाथरूम है ये बाथटब है यहाँ पे ये मिरर और ये बेडरूम ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है और सब सामान ये कुछ खाने का यहाँ ना होटल में मीठा हमेशा होता है स्वीट हमेशा होता है और बालकनी देखते हैं बालकनी कैसी है इसकी बड़ी मुश्किल से खुली
ये इसकी बालकनी है, बालकनी का व्यू। वाओ कितना प्यारा सीन है ना, विंडो में से पीछे पूरा वो सी व्यू और नाइट के टाइम तो लाइट्स पीछे कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सो आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अब बस रेस्ट करना है, खाएंगे और सो जाएंगे। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियोज के साथ। तो जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रिएक्शन यार? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा यार। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, किसी और के लिए नहीं बनाता। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी आपके फेवरेट टिकटॉकर पर मैं अपना रिएक्शन दूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी उसका नाम बताएं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो पर मैं अपना रिएक्शन उस टिकटॉकर पर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।